हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रिफ्लेक्ट शेड्स क्या होता है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेस शेड्स क्या होता है। अब बेस शेड्स क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बालों में नेचुरल कलर कैसे आता है। हमारे बालों में नेचुरल कलर मेलानिन प्रोवाइड करता है। अब मेलानिन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेलानिन, यू मेलानिन एंड फ्यू मेलानिन। हमारे बालों में यू मेलानिन दो टाइप के पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड ब्राउन, जो हमारे बालों को ब्लैक कलर देता है और उसे हम क्या कहते हैं? कूल कलर कहते हैं। उसी तरह फ्यू मेलानिन हमारे बालों में रेड और येलो कलर के पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे बालों को वार्म कलर देता है, दैट इज लाइक स्ट्रॉबेरी एंड गोल्ड। अब जब यू मेलानिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो हमारे बालों में ब्लैक या ब्राउन कलर होता है। उसी तरह से जब फ्यू मेलानिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो हमारे बालों में कौन सा कलर होता है? रेड या कॉपर कलर होता है। अब जब मेलानिन कम होता है तो हमारे बालों में कौन सा कलर होगा? लाइट ब्लॉन्ड कलर होगा। वही जब हमारे बालों में केराटिन का परसेंटेज पिगमेंट से ज़्यादा होता है तो हमारे बालों में लाइटेस्ट पेल येलो होता है। अब हम देखेंगे कि ये बेस शेड क्या होता है। बेस कलर रिफर्स टू आर कलर ऑफ हेयर। अब बेस शेड क्या होता है? वो कलर होता है जो हमारे बालों का नेचुरल कलर है या फिर डाई करने से पहले होता है, या फिर जो हाइलाइट्स और लो लाइट्स करने से पहले हम बालों को कलर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेस शेड्स। अब एक कलरिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बेस शेड्स देना आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बाल वाइट या ग्रे होते हैं तो हमें उसको बेस शेड देना ही पड़ता है। हाइलाइट्स या कोई भी कलर कब परफेक्ट दिखेगा? जब उसका बेस टोन परफेक्ट होता है। इसीलिए बेस शेड्स का नॉलेज कलरिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। हम ह्यूमंस जो होते हैं वो हम अलग अलग कलर लेके बॉर्न होते हैं, फ्रॉम डार्क टू लाइट। उसी तरह से जो हमारे बेस टोन होते हैं, बेस शेड्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? फ्रॉम डार्क टू लाइट। अब हर बार हम इन टोन का नाम याद नहीं रख सकते, इसीलिए कंपनी ने उसको नंबरिंग सिस्टम दिया है ताकि हम परफेक्ट टोन यूज़ कर सकें हमारे बालों के लिए। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल चार्ट है बेस शेड्स का, जो कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। अब जनरली नंबरिंग सिस्टम कैसे किया गया है? 1 to 10 होता है, बट यहाँ पे बेस शेड्स में नंबरिंग सिस्टम उल्टा होता है। कैसे होता है नंबरिंग सिस्टम? फ्रॉम 10 to 1। अब लॉरियल में नंबर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक होते हैं, बट वेला में कैसा है? नंबर 1 नहीं है, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। अब हम देखेंगे नंबरिंग सिस्टम का चार्ट। लॉरियल में नंबर 1 पे है ब्लैक, वेला का नंबर 1 पे कोई भी कलर नहीं है। नंबर 2 पे है डार्केस्ट ब्राउन, वेला का कौन सा कलर है नंबर 2 पे? ब्लैक। नंबर 3 पे है डार्क ब्राउन, वेला का भी नंबर 3 पे है डार्क ब्राउन। नंबर 4 पे है ब्राउन, वेला का है मीडियम ब्राउन। नंबर 5 पे है लाइट ब्राउन, वेला का भी नंबर 5 पे है लाइट ब्राउन। नंबर 6 पे है लॉरियल का डार्क ब्लॉन्ड, वेला का भी नंबर 6 पे है डार्क ब्लॉन्ड। नंबर 7 पे है ब्लॉन्ड, वेला का है मीडियम ब्लॉन्ड। नंबर 8 पे है लाइट ब्लॉन्ड, वेला का नंबर 8 पे है लाइट ब्लॉन्ड। लॉरियल का नंबर 9 पे है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, वेला का भी सेम वेरी लाइट ब्लॉन्ड। और नंबर 10 पे है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, और वेला का है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बेस शेड्स के बारे में बताया है और ये भी बताया कि बेस शेड क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।